दुमका पुलिस ने एक अपराधी को देसी पिस्टल व दो मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता कर जानकारी एसपी अंबर लकड़ा ने पत्रकारों को बताया कि नगर थाना क्षेत्र सहायक अवर निरीक्षक कमल देव मोची को रात्रि गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली कि कड़लबील गांव में एक व्यक्ति अपनी छत पर देसी पिस्टल से अंधाधुन हवाई फायर कर रहा है। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अवर निरीक्षक कमल देव मोची के साथ सशस्त्र बल ग्राम कड़लबील पहुंचे, जहां पुलिस बल को आता देखकर युवक अपने घर से निकलकर पीछे से भागने लगा, जिसे पुलिस बल द्वारा खदेड़ कर पकड़ लिया गया तथा पूछने पर उसने अपना नाम विक्रम दास, उम्र 35 वर्ष, पिता स्वर्गीय विमल रविदास, ग्राम कड़लबील, नगर थाना, जिला दुमका बताया। संदिग्ध अपराधी की तलाश के क्रम में उसके पास से एक देसी पिस्टल, दो मैगजीन एवं 9 खोखा को बरामद किया गया है। दुमका से हीरालाल शर्मा की रिपोर्ट। अपराधी की गिरफ्तारी हुई है और जिसके साथ एक आर्म्स पिस्टल बरामद हुआ है और साथ में एम्यूनिशन भी इसका बरामद हुआ है। इसका पूर्व में जो अपराधी की इतिहास भी रहा है और सूचना मिला था कि टाउन थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति जो है पिस्टल लेके जा रहा है, तो गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी किया गया, टीम भेजा गया जिसमें थाना प्रभारी, SDPO दुमका शामिल थे और उक्त अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम है सर? उसका विक्रम दास है, वो रहने वाला नगर थाना का ही है, नगर थाना का ही है। आपराधिक इतिहास भी है सर? उसका आपराधिक इतिहास भी है, पूर्व में भी एक केस में, क्रिमिनल केस में जेल गया हुआ है। इनफैक्ट उसके दो केसेस में वो जो है कि सेंटअप किया गया है पहले। सर, पिस्टल लेके घूम रहा था, कोई अपराध को भी अंजाम देना था क्या? ये अभी जांच हम लोग कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और अपराधी साथ में शामिल होते और किसी अंजाम को, कोई अपराध को पारित करने के लिए जाते, उससे पहले जो है कि उसको दबोच लिया गया।